ले लिया ना, प्लीज एक बार स्वयं आ जाओ और ये पाचन करे, ये बैठ जाओ, जो रह रहा वो खाना ले लो। भाई विनोद भैया अध्यक्ष जी इजाजत है। आदर के योग्य सरोख आपकी सरदारी भाई, समय कानून बहुत था, बहुत लंबा आप लोगों ने जो समय दिया है आज आपने अपनी बहन बेटी के लिए दिया है, सुझाव भी रख दिए हैं, पर मैं तो ये कहता हूँ सुझाव जो रखे हैं बहुत ठीक है, बाकी एक सुझाव इसमें जरूर ऐड होना चाहिए, ये एक मेरा भी निजी सुझाव है, सरकार को अल्टीमेटम जरूर देना पड़ेगा, बिना अल्टीमेटम दिए बिना कोई भी बात नहीं बनेगी, तो इसमें मैं आप लोगों से सर्वसम्मति से चाहता हूँ हाथ उठाकर ये बता दो अल्टीमेटम का समय जरूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, तो मैं ये आपसे धनखड़ खाप से विनती करता हूँ भाई एक अल्टीमेटम का सुझाव इसमें जरूर ऐड करे, हफ्ता या 10 दिन 15 दिन का समय जरूर दे, कोई हम इसमें लंबा समय नहीं देंगे, जो आज हमारी जाति इज्जत सब कुछ या सरकार लूटने पर लग रही है, तो इसमें कोई हम समय इनको ज्यादा नहीं देंगे, आज हमारी इज्जत पर हाथ डाल रखा है, तो इसने इस सरकार ने या जो गुनौनी हरकत कर रखी है और इसके बचाव में हर एक वक्ता ने बताया है, मैं भाई धन्यवाद करता हूँ सुरेंद्र सोलंकी जी का जिन्होंने एक सच्चाई बताई है, जो टीम गठित है एसआईटी की टीम गठित कर रखी है वह हमारी बेटी पर इकट्ठी कर रखी है, उसने संदीप मंत्री ने करा रखी है, उस मंत्री पर तो आज तक भी कोई टीम गठित नहीं हुई है, तो हमने तो मैं फिर कहता हूँ बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, आप लोगों ने कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और इस सरकार की कड़ी निंदा करनी पड़ेगी, कड़ी निंदा करे बिना आपकी लोगों की जीत नहीं होगी, और भाई इससे आगे कितना लंबा भाषण दबा लो दे ही जाएंगे, और भी भाई वक्ता बैठे नाराज भी हो जाए कोई और भी बैठा होगा, भाई समय का अनुभव होता है और हम माँ बेटी भाड़ बेटी पर जब इज्जत पर हाथ पड़ जाए, आप गांव बस्ती में देखते हो इतने तो सर फोड़ कर बनाना कितने अके कर कर थाने तहसील कर लेते हो, आज जब एक सरकार का अधिकारी आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा है और हम पंचायत का दौर बढ़ाते जा रहे हैं, तो मैं तो भरी पंचायत सरोख आपसे अनुमति लेता हूँ और कम से कम समय दिया जाए और उस समय के बाद कोई पंचायत नहीं हो शुद्धा डू एंड डाई का नारा हो करो या मरो का, भाई इससे आगे मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहता हूँ और आप लोगों का फिर धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पर पहुंचे और धनखड़ खाप का आप लोगों ने आज जो पहुंचकर मान सम्मान बढ़ा बेटी के लिए, आप लोग सभी धन्यवाद बधाई के पात्र है, पर उस दिन बधाई के पात्र होगे जिस दिन आप लोगों की और हमारी बेटी की विजय होगी, मैं इतना ही कहता हूँ, धन्यवाद जी।